मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा के जंगलात में 500 से ज़ायद मकामात पर लगी आग बेकाबू। कनाडा से उठता धुआं शुमाली और मशरकी अमेरिका को भी मुतासर करने लगा। कैलगरी, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक और टोरंटो में धुएं का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बरतानवी पुलिस ने कैनेडियन शहरी को दहशतगर्द ग्रुप का रुकन होने के शुबे में गिरफ्तार कर लिया। लंदन पुलिस ने एक और शख्स को पहले ही गिरफ्तार किया हुआ था। दोनों अफराद पर एक ममनुआ दहशतगर्द तंजीम की रुकनियत का इल्ज़ाम है। टोरंटो में पनाह गुज़ीनों के लिए रिहाइश का मामला वफाकी हुकूमत की जानिब से शहर को $100 मिलियन के करीब फराहम किए जाएंगे। शहरी इंतजामिया का कहना है कि उन्हें मजीद फंड्स दरकार होंगे। डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल हिल हमला केस में शामिल तफ्तीश। ट्रंप ने जल्द गिरफ्तारी का खदशा जाहिर कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि खत में लिखा है वो ग्रैंड ज्यूरी की तहकीकात के निशाने पर हैं। रूस का बहीरा अस्वद के अनाज मुहायदे को ख़त्म करने का फैसला। अमेरिका ने रूसी फैसले को नामुनासिब करार दे दिया। अमरीकी वजीर खारजा का कहना है कि मुझे उम्मीद है कि हर मुल्क इसको बहुत करीब से देख रहा है। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Canada se uthta hua dhuan shumali aur mashriqi America ko bhi mutasir kar raha hai. Aag ke dhuen se kai shahron ki fiza aluda ho gayi. अमरीका की 20 रियासतों में भी फिजाई आलूदगी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के जंगलात में 500 से ज्यादा मकामात पर लगी आग बेकाबू हो गई। ओटावा से बरतानवी मीडिया के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए फौज तैनात कर दी गई है। दीगर मुल्कों से भी फायर फाइटर तलब कर लिए गए हैं। कैनेडियन इंतजामिया ने आलमी इदारों से मदद मांग ली है। कनाडा के जंगलात में भी 500 से ज्यादा मकामात पर लगी आग बेकाबू है। वफाकी फौज और बैनुल अक्वामी फायर फाइटर्स की मदद तलब कर ली गई है। आग बुझाते हुए 2 कैनेडियन फायर फाइटर्स हलाक हुए हैं। गर्मी और खुश्क मौसम के बायस जंगलाती आग का सिलसिला अगस्त तक जारी रहने का खदशा है। कई शहरों की फिजा आलूदा हो गई है। कैलगरी, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक और टोरंटो में धुएं का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कनाडा से उठता धुआं शुमाली और मशरकी अमरीका को भी मुतासर कर रहा है। आग के धुएं से कई शहरों की फिजा आलूदा हो गई। अमरीका की 20 रियासतों में भी फिजाई आलूदगी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। न्यूयॉर्क, एलिनॉय, मिशिगन, विस्कॉन्सन के रिहायशियों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। मीडिया के मुताबिक रियासत न्यूयॉर्क, एलिनॉय, मिशिगन और विस्कॉन्सन के रिहायशियों को घरों में रहने की हिदायत की गई है। कैनेडियन हुकाम का कहना है कि मुल्क में मई से अब तक जंगलाती आग से 2,40,00,000 एकड़ से जायद का रकबा जल चुका है, जो कि आइसलैंड के रकबे के बराबर है। बरतानवी पुलिस ने एक कैनेडियन शख्स को दहशतगर्द ग्रुप का रुकन होने के शुबे में गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बरतानवी पुलिस ने एक कैनेडियन शख्स को दहशतगर्द ग्रुप का रुकन होने के शुबे में गिरफ्तार कर लिया। लंदन, इंग्लैंड में मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कहना है कि इंसदादे दहशतगर्दी के जासूसों ने पीर को दोपहर के फौरन बाद हीथ्रू एयरपोर्ट से एक 28 साल कैनेडियन शहरी को गिरफ्तार किया। उनका कहना है कि ये शख्स अभी कैनेडा से एक परवास पर पहुंचा था और मशरकी लंदन में एक शख्स की गिरफ्तारी से चंद घंटे कबल
तफ्तीश से मुतालिक था। दोनों अफराद पर एक ममनुआ दहशतगर्द तंजीम की रुकनियत का इल्ज़ाम है, जिस पर इल्ज़ामात आयद होने पर 14 साल तक कैद की सजा हो सकती है। इन अफराद को बगैर वारंट के हिरासत में रखा गया था, जो कि UK टेररिज्म एक्ट के तहत ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे के लिए किया जा सकता है। मजीद हिरासत के वारंट मंगल को जारी किए गए। पुलिस को इन दोनों अफराद को अगले हफ्ते की पीर तक रखने की इजाज़त दी गई है। एक ईमेल में मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कहना है कि वो दहशतगर्द ग्रुप का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि तहकीकात जारी हैं। पुलिस ने कहा कि वो सिर्फ उन लोगों की शनाख्त की तस्दीक करेंगे जिन्हें उन्होंने गिरफ्तार किया था, अगर उन पर किसी जुर्म का इल्ज़ाम लगाया जाए। कनाडा के शहर टोरंटो को वफाकी हुकूमत से तकरीबन $100 मिलियन मिलेंगे, ताकि पनाह गुजीनों के लिए रिहाइश के हल के लिए फंड्स फराहम किए जा सकें। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो को वफाकी हुकूमत से तकरीबन $100 मिलियन मिलेंगे, ताकि पनाह गुजीनों के लिए रिहाइश के हल के लिए फंड्स फराहम किए जा सकें। इमिग्रेशन के वजीर शॉन फ्रेजर ने तस्दीक की है कि वफाक ने अबूरी हाउसिंग असिस्टेंस प्रोग्राम में इजाफी $210 मिलियन की फंडिंग की मंजूरी दी है, जिसमें से $97 मिलियन टोरंटो सिटी को दिए जाएंगे। वफाकी हुकूमत की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि IHAP पनाह के दावेदारों के लिए अबूरी रिहाइश के अखराजात के लिए सूबों और म्यूनसिपलिटियों को लागत के इश्तराक की बुनियाद पर फंड फराहम करता है। आज की फंडिंग तकरीबन $700 मिलियन के अलावा है, जो प्रोग्राम के जरिए पहले ही फराहम की गई है, जिसमें टोरंटो सिटी के लिए $215 मिलियन से ज्यादा शामिल है। टोरंटो की नई मेयर ओलिविया चाओ ने गुज़िश्ता हफ्ते हुकूमत पर इजाफी $160 मिलियन के लिए दबाव डाला और इस बहरान को वफाकी जिम्मेदारी करार दिया। वफाकी हुकूमत ने जुमे को कहा कि पनाह के मतलाशियों के लिए रिहाइश और मदद की जिम्मेदारी सूबों और म्यूनसिपलिटियों पर आयद होती है। ये शहर जून से पनाह गुजीनों और पनाह के मतलाशियों को अपनी गुंजाइश वाले पनाह गाहों से दूर कर रहा है, उन्हें वफाकी प्रोग्रामों का हवाला दे रहा है और ये दलील दे रहा है कि उन्हें आमद को एडजस्ट करने के लिए वफाक से मजीद रकम की जरूरत है। पीर की रात 200 से ज्यादा पनाह गुजीनों को एक बढ़ते हुए ग्रुप को टोरंटो के मरकज में वाकई एक पनाह गाह के दफ्तर के बाहर फुटपाथ पर दिन गुजारने के बाद पनाह के लिए शुमाली यार्क के एक चर्च में मुंतकिल कर दिया गया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 6 जनवरी कैपिटल हिल हमला केस में शामिल तफ्तीश कर दिया गया। ट्रंप पर हमले के लिए उकसाने का इल्ज़ाम है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 6 जनवरी कैपिटल हिल हमला केस में शामिल तफ्तीश कर लिया गया। ट्रंप पर हमले के लिए उकसाने का इल्ज़ाम है। साबिक अमरीकी सदर ने अपने बयान में कहा कि उन्हें स्पेशल काउंसिल की जानिब से एक टारगेट लेटर मौसूल हुआ है, जिसमें लिखा है कि वो ग्रैंड ज्यूरी की तहकीकात के निशाने पर हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने तफ्तीश में शामिल किए जाने की तस्दीक करते हुए अपनी जल्द गिरफ्तारी का खदशा जाहिर कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर को मौसूल होने वाले खत में वाज़ेह तौर अलामत मौजूद हैं कि 2024 के सदारती इंतखाबात के लिए रिपब्लिकन पार्टी से सदारती उम्मीदवार बनने के लिए नामजदगी की दौड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप को जो बाइडन से इंतखाबात हारने के बाद इक्तदार में रहने के लिए की गई कोशिशों के इल्ज़ाम में फर्दे जुर्म आयद हो सकती है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक साबिक अमरीकी वफाकी प्रोसिक्यूटर पीटर जेडनबर्ग ने कहा कि किसी मुलजिम को टारगेट लेटर मिलना इस बात की अलामत है कि उसे खबरदार किया जाए कि आप पर फर्दे जुर्म आयद की जा रही है। खबर एजेंसी के मुताबिक हुकाम अपने बयान ज्यूरी के सामने कलमबंद करवा चुके हैं कि किस तरह साबिक अमरीकी सदर ने अपने दौरे इक्तदार के आखिरी महीनों में वोटर फ्रॉड के बेबुनियाद दावों के हवाले से उन पर दबाव डाला था और किस तरह 6 जनवरी 2021 को उनके हामियों ने कैपिटल हिल पर हमला करके कांग्रेस की जानिब से जो बाइडन की जीत की तस्दीक करने के अमल में रुकावट डालने की कोशिश की थी। ख्याल रहे कि 6 जनवरी 2021 को वाशिंगटन में कैपिटल हिल पर हमले के मामले पर ग्रैंड ज्यूरी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया में आला ओहदों पर रहने वाली अहम शख्सियात समेत व्हाइट हाउस के साबिक अटॉर्नी और डोनाल्ड ट्रंप के नायब सदर माइक पेंस के बयानात कलम बंद कर चुकी है। अमरीका ने बहीरा अस्वद के अनाज मुहायदे को ख़त्म करने के रूसी फैसले को गैर माकूल करार दे दिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीका ने बहीरा अस्वद के अनाज मुहायदे को ख़त्म करने के रूसी फैसले को गैर माकूल करार दे दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बहीरा अस्वद के अनाज मुहायदे से दस्तबरदारी पर रूस पर तनकीद करते हुए अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने मास्को के फैसले को गैर जिम्मेदाराना करार दिया
और जोर दिया कि इस मुहैदे को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। अपने रद्द अमल में ब्लिंकन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हर मुल्क को उसके बहुत करीब से देख रहा है। वो देखेंगे कि रूस उन लोगों को खुराक देने से इनकार करने का जिम्मेदार है जिन्हें पूरी दुनिया में खुराक की अशद जरूरत है, और एक ऐसे वक्त में जब बहुत से ममालिक बहुत मुश्किल महंगाई का सामना कर रहे हैं। आला अमरीकी सिफारतकार ने मजीद निशानदही की कि यह मुहैदा पहले तो जरूरी नहीं होना चाहिए था, और ऐसा तब हुआ जब रूस ने यूक्रेन में अपनी जंग शुरू कर रखी है। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि यूक्रेन, अमरीका और दीगर लोग ये देखेंगे कि आया बहीरा अस्वद के जरिए बाजार में अनाज को महफूज तरीके से मुंतकिल करने के लिए कोई और ऑप्शन मौजूद है, जैसे कि रेल और सड़क वगैरह। वाज़ह रहे कि रूस के दस्तबरदार होने के बाद यूक्रेन को बहीरा अस्वद के रास्ते महफूज तरीके से अनाज बरामद करने की इजाज़त देने वाला मुहैदा बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म हो गया। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।